नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज जिसे सुदर्शन सेतु का नाम दिया गया है उसका उद्घाटन किया। अब क्या है इस सुदर्शन सेतु की खासियत और कैसे इससे लोगों को आसानी होगी, आइए जानते हैं। सुदर्शन सेतु एक केबल स्टाइल ब्रिज है जिसको बनाने में करीब 980 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इससे हर कोई एक नायाब नमूने के तौर पर देख रहा है क्योंकि ये गुजरात के ओखा को समुद्र के बीचों बीच मौजूद भगवान श्री कृष्ण की नगरी माने जाने वाली बेयट द्वारिका से जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। ये ब्रिज भगवान श्री कृष्ण की छवियों और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से सजा हुआ है। इस ब्रिज के फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं। बताया गया है कि इस पैनल की हेल्प से 1 मेगावाट तक बिजली पैदा हो सकती है। द्वारका और बेयट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले भक्तों के लिए ये पुल बेहद खास है क्योंकि इससे दोनों जगहों के बीच आवागमन और भी आसान हो जाएगा और समय भी बचेगा। आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण से पहले तीर्थ यात्री कड़ी मशक्कत करके बेयट द्वारका तक पहुंचते थे और उन्हें नाव पर निर्भर करना पड़ता था। अगर कभी मौसम खराब हो जाता तो लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ता था और समुद्र में उठने वाली लहरों से भी डर रहता था। पर अब इस पुल के निर्माण से लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा इस पुल की खास बात ये भी है कि इस पुल के निर्माण से ना सिर्फ तीर्थ यात्रियों बल्कि लक्षद्वीप में रहने वाले करीब 8,500 लोगों को भी फायदा होगा क्योंकि ये पुल द्वारका और लक्षद्वीप की दूरी को कम कर यात्रा के समय को भी बचाएगा। आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।